नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आपको दिखाई देने वाले हर सपने का कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। वही हमें अक्सर सपनों में वह चीज दिखती है जो हमारे मन में चल रही होती है। चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं, ऐसे में सभी भक्त माँ दुर्गा की आराधना में लीन होंगे, तो इसी समय माता रानी के सपने आना आम सी बात है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों के सपने आने का क्या अर्थ होता है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, दुर्गा माता का लाल रंग के कपड़ों में दिखना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि आपको सपने में माँ दुर्गा लाल रंग के कपड़े पहने हुए तथा मुस्कुराती हुई नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। वहीं अगर आप लंबे समय से किसी कार्य की योजना कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिल सकती है। इसके अलावा इस तरह का सपना संतान प्राप्ति का संकेत भी होता है। नंबर 2, सपने में माँ लक्ष्मी दिखाई देना। दोस्तों, यदि आपको सपने में धन की देवी माँ लक्ष्मी दिखाई देती है तो उसका मतलब ये है कि आपको पैसे से जुड़ा कोई लाभ होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी ने सपने में दर्शन देकर संकेत दिया है कि वह आपके व्यापार पर अपनी कृपा बरसाएगी। नंबर 3, सपने में माँ काली दिखना। दोस्तों, शास्त्रों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को नवरात्र के दौरान सपने में माँ काली दिखाई देती है तो इस सपने का अर्थ है कि आपको आने वाले समय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी गलत कार्य ना करें और सही मार्ग पर चलते हुए जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। नंबर 4, सपने में माँ पार्वती दिखाई देना। दोस्तों, यदि आपको नवरात्रों के दौरान सपने में माँ पार्वती दिखाई देती है तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। शास्त्रों के अनुसार इस सपने का अर्थ है कि आपको नौकरी अथवा कारोबार में तरक्की मिलने वाली है, जिससे आपको धन लाभ भी होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।